राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा का चुनाव टला था। ऐसे में देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना की चिंता नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की सोच फास्टिस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों के रंग रंग में है। हम साथ मिलकर फास्टिस्ट ताकतों को हराएंगे। इस पूरे मामले की एसओजी जांच करेगी। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेंगे और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और विधायक एक साथ था, एक साथ है और एक साथ रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर कहा कि महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार को अस्थिर करने की साजिश की गई। कोरोना से लड़ने में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई। मोदी शाह प्रजातंत्र का चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और संस्कारों, उनको पूरी तरह से पूरे देश में रोंद रहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता हथियाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है, ये बार बार पूरे देश में साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र का चीरहरण ही भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। लोग अपनी सरकारों को कोरोना महामारी में, पूरे देश और प्रदेशों की जनता अपनी अपनी सरकारों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कौन दर्द बांट रहा है और कौन प्रजातंत्र को बांट रहा है? जैसा आप सबको मालूम है, 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहां पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला ने बता रहे थे आपको, किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है। मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं? लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंकी गई, झोंकी गई। तुम्हारे सामने देखा वो आपके सामने, ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे,
कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं, देश से देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो नेताभूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्ट की सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके, ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को? 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है। क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है। उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं।